सवेरे पहुंचा मंजिल के पास, फिर समझा मैं इन लोग से कितना हूँ दूर। पीछे गिराने ये करे दुआ, लेकिन इनकी दुआएं ना होती कबूल। राजा हुसैन का भिड़ेगा कैसे बंडा आए लाया करने को रूल। सो हे गाइस, फाइनली आई एम बैक। दो महीने के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेरे को पता है, बिकॉज मेरे को थोड़ा काम था, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू मेक एनी वीडियोस फॉर माय यूट्यूब चैनल। बट अभी मैं वापस आ चुका हूँ, अभी हफ्ते में एक वीडियो तो डाल ही देंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक ए ट्रैप बीट और हिप हॉप बीट इन साइड एफएल स्टूडियो लाइक एमयू बेंटाय और एनी अदर हिप हॉप आर्टिस्ट आउट देयर। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब, उसी के साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, आ चुके हैं मैं फिल स्टूडियो के इंटरफेस में। और गाइस, ये जो प्रोजेक्ट फाइल है, इसका डाउनलोड लिंक हमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड करके और थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले जो हम ट्रैप बीट बनाते हैं या फिर कोई हिप हॉप काइंड ऑफ बीट बनाते हैं, उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए रहता है एक मेलोडी या फिर एक सैंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक सैंपल यूज किया है, मैं आपको सुनाता हूँ वो सैंपल। ठीक है, तो ये है हमारा सैंपल। तो इसको मैंने किस तरह से प्रोसेस किया है सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक पैरामीटर EQ2 लिया है और इसका जो लो एंड है इसको कट कर दिया है, और उसके बाद एक OTT यूज़ किया है सिंपली थोड़ा ब्राइटनेस ऐड करने के लिए, और उसके बाद H-Reverb 5 यूज़ किया है थोड़ा रिवर्ब ऐड करने के लिए, और उसके बाद एक LFO 2 यूज़ किया है थोड़ा सा साइड चेन का इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद सिंपली हमने फ्रूटी स्टेरियो यूज़ किया है, जिससे कि हमारा सैंपल थोड़ा वाइड साउंड करे, ठीक है। तो उसके बाद गाइस, जब हमारा मेलोडी या फिर हमारा सैंपल रेडी हो जाए, तो उसके नीचे हम एक बीट बनाते हैं जो कि हमारे सैंपल को कंप्लीमेंट करे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सिंपली एक सिंपल सा बीट बनाया है, तो सबसे पहले इसको हम सुनते हैं हमारा बीट, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे दो किक्स यूज किए हैं, एक टॉप किक यूज किया है और एक मेन किक, जो कि हमारा मेन फ्रिक्वेंसीज को कैरी करता है, उस टाइप का एक किक यूज किया है, ठीक है। और दोनों साथ में कुछ इस तरह से साउंड करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सिंपली हमने दो स्नेयर्स को यूज किए हैं जो कि हमारा बेसिक पैटर्न है, तो उसको हमने फॉलो किया है, जो कि कुछ इस तरह से साउंड करता है। और हमारे किक के हिट को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए मैंने एक स्टैब यूज किया है, और जो कि कुछ इस तरह से साउंड करता है। ठीक है, तो उसके नीचे सिंपली हमने कुछ रिम शॉट्स और हाई हेट्स को यूज किया है, जो कि कुछ इस तरह से साउंड करता है। उसके नीचे गाइस, सिंपली मैंने एक किक यूज किया है जो कि इंपैक्टफुल किक रहता है, बहुत सारे जो कैश्मीर के सैंपल पे आपको मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से साउंड करता है। उसी के साथ गाइस, हमने यहाँ पे सिंपली एक रिवर्स बेस को यूज़ किया है, जो कि हमारे जो हमने बेस डिज़ाइन किया है उसको हमने एक्सपोर्ट करके रिवर्स किया है बेसिकली, ठीक है। उसी के साथ हम हमारे बेस को भी एनेबल करते हैं। तो गाइस, बेस को हमने सिंपली डिज़ाइन किया है सीरम के अंदर। अगर गाइस आपको पता नहीं है, हमारे चैनल पे साउंड डिज़ाइन के रिलेटेड कंप्लीट एक सीरीज़ है, जिसमें हमने बात किया है सीरम से आप एकदम मतलब स्क्रैच से किस तरह से साउंड्स को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको वो भी देखना है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक साइन वेव लिया है, और यहाँ पे सब ऑसिलेटर में यहाँ पे एक स्क्वेयर वेव टाइप का हमने वेव फॉर्म सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे इसको एक ऑक्टेव डाउन, और यहाँ पे बेसिक वेव पे इसको हमने -5 सेमीटोन पे डाउन किया है, ठीक है। उसी के साथ हमने यहाँ पे सिंपली जो प्रोसेसिंग है बेस का, वहाँ पे सिंपली एक पैरामीटर EQ2 लिया है,
और एक एफएक्स लिया है जो कि हमारा इफेक्टर है, यहाँ पे थोड़ा डिस्टॉर्शन ऐड किया है हमने, और फ्रूटी बैलेंस के साथ हमने बेस को किक के साथ साइड चेन किया है। और अगर गाइज आपको साइड चेन के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे वो अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और उसके नीचे गाइज हमने एक ओजोन 8 इमेजर यूज किया है जिसपे हमने बेस को मोनो पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो हमारा बेस हमारे बीट के साथ कुछ इस तरह से साउंड कर। तो गाइस अभी हम बात करते हैं हमारे फिलर के बारे में। तो गाइस फिलर में हमने कुछ इस तरह का पैटर्न रखा है, ठीक है। उसी के साथ हमने गाइस एक क्रैश सैंपल को भी यूज किया है, ठीक है। और यहां पे सिंपली फिलर में हमने एक सिंथ को यूज किया है जो कि कुछ इस तरह से साउंड करता है, ठीक है। तो इसको हम सुनते हैं हमारे बीट के साथ। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा कंप्लीट बीट सेक्शन और प्रकर्शन सेक्शन, इसको हम सुनते हैं हमारे सैंपल के साथ, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा कंप्लीट बीट। और गाइस इसके ऊपर आप खुद रैप कर सकते हैं या फिर कोई रैप वोकल्स यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली एक रैप वोकल्स यूज किया है ट्यूटोरियल पर्पस के लिए। तो इसको हम सुनते हैं कंप्लीट किस तरह से साउंड करता है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। इसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब, उसी के साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।